एक रेरा माई गयो छोड़ देते बात ही अब मन चल है बड़े फोटो बड़ गयो पिन गयो एक शादी बड़ा वे जिन बड़े एक और ठोक्यो लर लर आवे पता नहीं करा पड़े प्यार बांटेंगे तभी तो मिलेगा तो बांटना सीखो अपने आप मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। बहुत मुश्किल होता है प्यार कमाना किसी का। इनिशियली इट वॉज अरेंज बट आफ्टर इट हैपन्स विद एवरीवन दैट इट चेंजेस इनटू लव मैरिज एंड दैट हैपेंड। मारी टाइम बरात बहुत दिन छकर नहीं इक्यावन गाड़ियाँ ले गया मैं भी। ये दादाजी का सपना था। अब की बार तो इन्होंने हमारे को पता ही नहीं सब इन्होंने अपने स्तर पे कर लिया सब कुछ। हेलीकॉप्टर तो लेना ही है गया तो इनके वो कोई इतनी इच्छा नहीं थी। बुजुर्गों को इनको घुमाना करना ये था। इससे बदलती दुनिया के भागदौड़ भरे जीवन के अंदर सामाजिक कार्यक्रम रीति रिवाज और शिक्षित लोगों के रिश्ते निभाने के तौर तरीके भी बदलते जाते हैं। लेकिन आज हम जिस परिवार की बात करने जा रहे हैं वो परिवार शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय के माध्यम से अपनी ऊंचाइयां दिनों दिन छूता जा रहा है। लेकिन परिवार के बच्चे बड़े ही संस्कारी हैं जो आज भी घर के अंदर दादाजी के हुक्म से चलता है पूरा परिवार। आज हम बात करने जा रहे हैं रामनिवास राजा राम पुत्र श्री दुल्लाराम जी गिला अलाय वालों के परिवार के जो पैसे से डबल ए कॉन्ट्रेक्टर हैं और परिवार के अंदर बच्चे शिक्षित पढ़े लिखे और अच्छे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। परिवार के अंदर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और भी बहुत सारे जैन हैं इस प्रकार के जॉब के अंदर हैं। आम तौर पे हम जब इस प्रकार उच्च पदों पे बच्चों को देखते हैं तो वो सामाजिक रीति रिवाज से दूरियां बनाकर प्रोफेशनल रीति रिवाज में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज से जब शादी विवाह होते हैं तो उसकी लंबित दूरियां अगर हम कहें तो काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे शादी के शुरुआत से लेके और शादी संपूर्ण होने तक बहुत सारी रस्में अदा होती हैं जो आजकल के पढ़े लिखे युवा बहुत कम पसंद करते हैं। लेकिन आज जिस शादी का हम आप लोगों को पूरा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे नवविवाहित पति पत्नी दोनों डॉक्टर होते हुए भी आज भी दादाजी के हुक्म और जॉइंट फैमिली जैसे रिश्तों को देखकर बेहद खुश हैं। तो आइए शादी का लुत्फ उठाते हैं। ठीक है। दोस्तों एक जमाना था जब बारात जाती थी तो बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और फिर ट्रैक्टर, फिर गाड़ियों पे सरी हुई और अब जो है बारात हेलीकॉप्टरों के अंदर रिवाज जो है शुरुआत हुई है और उसी के अंदर अलाय के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर बारात जो है नोखा जाएगी। परिवार जोधपुर और अलाय दो जगह पर रहता है तो जोधपुर से बारात अलाय आई है और यहाँ पर गाँव के अंदर जो गाँव के गुआड़ का रिवाज है वहाँ के बाद में अब फिर बारात जो है नोखा के लिए रवाना होगी। रामनिवास जी राजा राम जी पुत्र श्री दुल्लाराम जी गिला जो अलाय वाले हैं वहाँ से बारात रवाना होगी और
सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दुल्ला राम जी हमारे साथ हैं, पोतों की बारात जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। दुल्ला राम जी कुकर है, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा। थाली टाइम बारात गया जबकि कुकर गया, माड़ी टाइम बारात बहुत इक्यावन गाड़िया ले गया। मैं भी मेरी बात छोड़ो, अभी भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया ही। उड़न खटोलो आए, अभी उड़न खटोलो गांव में आया। विद्या विद्या हो गया, विद्या विद्या शाता है ये। जिस हिसाब से थारे जिन टाइम शादी हुई, बिन टाइम बारात भी जमाने में कम जाओ दी बिन टाइम साहब का तो बैलगाड़ी हुंदी कने का ऊंट हुंदा दो सवारी ही एन कने हुंदो आलगो गणो नहीं हुंदो तो पाड़ा जत रहंदा। अच्छा नेड़ो हुंदो, नेड़ो हुंदो तो कोई विषय लोग खर्च भी कम करदा, लोग लोग कने पे भी टाइम थे बारात जाउंदा बिन टाइम आ होसदा के भाई ओ भी जमानो आ चुके हेलीकॉप्टर में बारात जे बाकी कल्पना नहीं की मैं तो कभी हेलीकॉप्टर में जाइए। मैं कहा बस ठीक है, तो हौले हौले युग बढ़ी हो, मशीनरी युग बनी हो, लोग आगे आगे तरक्की की, लोग धंधो करियो कि भाई वो हवाई में जाए, वो हेलीकॉप्टर में जाए, वो यहाँ करे ना बना मीठे तो बाटिया बना हुआ जोधपुर का लगो जोधपुर जोधपुर का प्रसिद्ध भोजन है बाटिया। बाटिया बनाना बेस बाटिया की चूर मसूर दा एन का हीरो बना लेंदा, दूजो की लापसी बना हुआ मेगा सिस्टम में मैं तो अब अलग ही चेंज हो गया सर, पहले वही रिवाज हो। सरपंच साहब जिस हिसाब से जमाना बदलता जा रहा है, लोग उसी रंग में डरते जा रहे हैं, वजह लोगों के पास इनकम के सोर्स बढ़ गए और सब एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा की भावना से काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। व्यापार है कोई भी धंधा है तो वो अच्छी तरीके से करे, इसलिए लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। और दूल्हा जो है वो खुद यहाँ पर आ गए हैं और भी यहाँ पर। नमस्कार जी, आप कहाँ से हो? मैं सरपंच दोनों रहने वाला है। अच्छा अड़ाई के, अच्छा दो दो अड़ाई तीन पंचायत, तीन पंचायत, तीन पंचायत। तो आपकी पंचायत के अंदर ये पहला हेलीकॉप्टर बारात? हाँ नहीं, आने वाला पहले आने वाला कई आने वाले तो आने वाले तो बारात आज कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो हिसाब बराबर कर रहे हो कि भाई आज तो सुबह से ही युवा में उत्साह था, बूढ़े वडेरों में उत्साह था कि आज हेलीकॉप्टर आएगा अड़ाई और नौका बारात चलेंगे। दुल्ला राम जी का परिवार कहा जा रहा है पहले कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और धीरे धीरे इन्होंने प्रगति की और कहीं ना कहीं संघर्षशील परिवार रहा। संघर्षशील परिवार है, इनके दो पुत्र है रामनिवास जी और राजा राम जी और पुत्र श्री दुल्ला राम जी। ये दुल्ला राम जी किसान आदमी थे और इनके पुत्रों ने अच्छा काम किया, रामनिवास जी और राजा राम जी ने। इनका अच्छा बिजनेस है और ये मतलब इन हेलीकॉप्टर खूब खर्चा कर रहे हैं और अच्छी शादियां कर रहे हैं, इसलिए हम भी बड़े उत्साहित हैं इनके परिवार के साथ में बारात चलने के लिए। आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं। और जब ये शादी की तैयारियां चल रही थी तो हेलीकॉप्टर सबसे पहले लाने के लिए आपने जिद किया या परिवार ने ऑफर किया? नहीं, ये दादाजी का सपना था। हाँ। उनके काफी टाइम से, पिछली बार गांव में वजह से हो नहीं पाया, इस बार सिटी की वजह से हो पाया। अच्छा, नहीं तो पिछली बार भी विचार था? विचार था, पर इस बार उन्होंने कहा कि इस बार तो करना ही करना है, तो ये उनका सपना था। सुनान जी, कहीं ना कहीं आपके दादाजी हैं वो भी उम्र दराज जरूर है लेकिन आपके साथ रंगों में रंग मिल जाते हैं उनके और वो आप लोगों के साथ झूम उड़ते हैं। उम्र बड़ी है पर वो बच्चे तो कम जिद करते हैं, वो ज्यादा जिद करता है। अभी तो और भी ख्वाहिश है उनकी। अच्छा, धीरे धीरे होगी। ये कैसे भाव आया कि भाई इस प्रकार हेलीकॉप्टर लाए? रामनिवास जी फादर साहब ने कई दिन से, पिछली बार दिनेश की शादी हुई तो उस टाइम वो जोधपुर करते तो उस टाइम थी उनकी प्लानिंग। अब की बार तो इन्होंने हमारे को पता ही नहीं थे, सब इन्होंने अपने स्तर पे कर लिया सब कुछ। हेलीकॉप्टर तो लेना ही है गया, फिर वो कंपनी वाले से बात की, उनकी तो इच्छा थी चार पांच हेलीकॉप्टर लेने की, फिर वो एंड टाइम पे मिला ही एक ही। अच्छा, मिला एक, मिला एक ही, बाकी उन्होंने कहा चार पाँच तो लेना ही है। अब दादाजी को कौन से सफर में, जोधपुर से अड़ाई तक लाए, अड़ाई से नौखा तक पोते के साथ बिठा के? वो उनका तो सफर कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बाकी चेंज होते रहेंगे। अच्छा, बाकी चेंज होते रहेंगे। एक होता है कि जब इस प्रकार ये बारात के अंदर हेलीकॉप्टर आया या कहीं पे आता तो साथ में बैठने वालों की होती है कि भाई इसी इसको बैठे, चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं, हमारी ये निबत नहीं आई, हमारे इनके बच्चे के नाना जी और हमारे सगा जी फादर साहब, मतलब बुजुर्गों को प्रायोरिटी दी, बुजुर्गों को, बच्चों ने खुद ने चला के कहा बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो कभी यात्रा करते रहते, ये तो सब बार पड़े तो फ्लाइट का तो इनके साल में 10-20 बार आना जाना होता है। हाँ। तो इनके वो कोई इच्छा नहीं थी, बुजुर्गों को इनको घुमाना करना ये था। यानी दादा नाना जो परिवार के रिश्तेदार थे उनको हेलीकॉप्टर के अंदर दूल्हे के साथ जो है बिठा के लाना इनका एक लक्ष्य है। बुजुर्गों की सोच है कि आगे बढ़े बच्चे और इनका देख के और भी कोई ऐसे लोगों को, और ये अच्छी पहल है,
कि बच्चे सक्षम हो और आगे ऐसे ख्वाब रहेंगे तो उनकी सोच भी अच्छी होगी। बहुत सुंदर दोस्तों, अभी जो है बारात यहाँ अलाई से रवाना होगी, जोधपुर से हेलीकॉप्टर से यहाँ अलाई तक आई थी। अलाई इनका पैतृक गांव है, जोधपुर के अंदर इनका निवास है, बिजनेस है। और अलाई से नोखा जो है बिहारी लाल जी बिश्नोई नोखा विधायक हैं, उनके परिवार के अंदर ये बारात जा रही है। तो सारा इस शादी का जो दृश्य है वो हम आपको लगातार दिखाते रहे। बारात जो है नोखा के अंदर पहुंच गई है और दुल्हे के दादाजी दुल्ला राम जी गिल्ला हैं, वो खुद हेलीकॉप्टर के अंदर घूम गए। पहली बार बैठे थे ना? पहली बार बेटा। कुंकर वो एक तो वेग भाई हड़कमात बहन अभिश्वास वेग है, जमी माते टिकुड़ है कम कम ऊंचो हवा में लेर गयो, कोई ऊंचो ने हवा में एक रेरा मार गयो छोड़ दे थे बात। अब मन चले बढ़ दूं फोटो करने क्यों छे बड़ा बिजनेसमैन बेटा का पिताजी हो कभी मन तो नहीं बन जाएगा हमने पर्सनल जोधपुर टू अड़ा एक लगा दा फ्लाइट तो अड़ाई माते खासा चक्कर लगाया की बात। दो चढ़ते दो उतरते दो चढ़ते दो उतरते पूरा पूरा बिन बढ़ गयो बिन गयो एक शादी बढ़ा हुआ है जिन्हें बने एक और ठोकियो लर लर बेटा पता नहीं करा पड़े एक और घुमाए उधर दादे को मन पूरा रह गयो प्लेन जगह सर हाँ टीम ही तो दादे मन पूरा रह गया पोता और बेटा बात आ है इन्हें के बूढ़िया ने दड़का पावे माँ बाप चढ़ दे हेलीकॉप्टर में डेरा में एक थी कि बूढ़िया ने भले भागले में हिड़ लो पड़ा हाथ नहीं छोड़ना हाथ नहीं छोड़ना हाँ बात है। तो थारे तो पोता वो कह जो थाने पहली बना यार माई बेर पूरा मतलब बाई बाई करे अप्लाई करे मांडा कर सर बिल्कुल बिल्कुल मांडा के हम हेलीकॉप्टर ने फिर कर दियो के विचार हेलीकॉप्टर फिर किन कर दा हेलीकॉप्टर फिर कर दा तो बिन निसार दे जा अच्छा बिन यूं मैं करा बिन मैं बिन ला रिता जा बिन पड़ी ले जा बस पड़ी है के गाड़ी में मतलब मान बराबर बहू का और बेटे का बराबर बहू बेटा बराबर पांच जोर नहीं बोल जी तरके जरूरी है बोलना सा आपने कौन बोल है साल का 2 लाख पे सलगावे है 2 लाख और आवदा नहीं है होता एक ही पता बोल बेटा बता दे सोमन बाजरी है सोमन कुतर है अगली मिंदर रेडू ये देख क्या देख रहे हो गौशाला देख रहे हो एक ही घर में नहीं परूटू। अच्छा थारी पेंशन हाँ। थारी इनकम जगी है डॉक्टर जितेंद्र की पोते की शादी के अंदर हेलीकॉप्टर में बारात में आए थे और अब जो बारात यहाँ पे नौका पहुँच गई है। ये शादी नोखा विधायक बिहारी लाल जी के परिवार में है तो बिहारी लाल जी आए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। बारात अब नौका पहुंच गई है और नौका पहुंचते ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पटोला जिसके अंदर सोने गहने आभूषण और सूखे मेवे फ्रूट्स ये एक परंपरा रही है वो थालियों के अंदर भर के लड़की पक्ष वालों के सामने वर पक्ष के लोग यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आप बढ़ रहे हो खानो बढ़ रहे बीरबल जी मानो क्या मानो बाल जी मानो मामा श्री डोल जी साहब भोजन करो चलो साहब भोजन करो इसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज कार्यक्रम के लिए मंच पे आते हैं और यहाँ पर माल्यार्पण से शादी की रस्म अदा होती है से विवाह संपन्न होता है। शादी के बाद वापस दुल्हन को लेके हेलीकॉप्टर जोधपुर पहुंच जाता है। जब भाई शादी करके बहू को लेके प्रथम बार घर पे आता है तो बहने गेट के ऊपर खड़ी होकर दोनों हाथ लंबे करती है उसको बार रुकाई बोलते हैं और भाई बहनों को कुछ नेक स्वरूप पैसे दे के और बहनों का मान सम्मान बढ़ाता है।
इस शादी समारोह का आशीर्वाद कार्यक्रम जोधपुर के अंदर कस्तूरी आर्चिट के अंदर रखा गया, जहां पर देश के कोने कोने से लोग वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बहुत सारे लोग तो आए हैं, साथ में दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, एक हिसाब से आपकी शादी अलाई दादाजी का हुक्म था कि ये शादी गांव में होनी है, अगली शादी में दादाजी का हुक्म था कि ये बारात हेलीकॉप्टर से जानी है, सब कुछ दादाजी के दिशा निर्देश पे चल रहा है। आखिर ये अपने आप में संदेश तो है, लेकिन एक इतनी बड़ी फैमिली को किस प्रकार दादाजी जो है कोऑपरेट करके रखते हैं? दादाजी ये है कि घर में सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं, तो उनकी बात को तवज्जो दिया जाता है। उनको पिछली बार भी हेलीकॉप्टर का तो उनके दिमाग में था, एंड तक वो हेलीकॉप्टर का बोल रहे थे। लेकिन वो लास्ट जाते जाते क्या हुआ कि काम की वजह से पिछली शादी के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया। इस शादी के अंदर सबसे पहली बुकिंग हेलीकॉप्टर की हुई है। हेलीकॉप्टर बुक हुआ तो बाद में शादी की डेट फिक्स हुई, बाद में शादी की डेट फिक्स हुई है। हेलीकॉप्टर इस बार पहले बुक हुआ है। हेलीकॉप्टर बुक होने के बाद ही शादी की हर चीज़ बाद में बुक हुई इस बार दादाजी। और गांव के अंदर शादी करने का ये मतलब था कि हमारी जनरेशन की एक भी शादी गांव में नहीं हुई थी पहले, तो हम चाह रहे थे कि गांव की तरफ शादी हो, तो उस साइड गांव के लोग, जो आसपास गांव के लोग हैं, वो लोग इजीली आ पाएंगे वहाँ के वहाँ। सुभाष जी, जिस हिसाब से बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा मान सम्मान, दादाजी को साथ में बारात में लेकर चलना, नाना जी को लेकर चलना, कहीं कहीं युवा जब सक्षम हो जाता तो वो अपने यार दोस्त हैं, अपने जो करीबी मित्र हैं उनको ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा सुझाव है, और इनके साथ युवा भी है और बूढ़े सारे लोग साथ में हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी के अंदर बहुत कम नसीब होता है लोगों का कि दोनों को एक जैसा जॉब, डॉक्टर कोमल और डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको दोनों को शादी मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जब पढ़ाई कर रहे थे तब ये सोचा था कि हम इस प्रकार आपस में जब शादी करेंगे तो हमें ऐसा जोड़ा मिलेगा? उस टाइम तो ऐसा ख्याल नहीं था, बाद में जब कंप्लीट हो गई MBBS, उसके बाद इंटर्नशिप चल रही थी, तो घर वालों ने सोचा कि अभी शादी करते हैं, तो अच्छा रिश्ता आया तो देखा तो पसंद आ गए। रिश्ता घर वालों ने ढूंढा था या आपने? नहीं, घर वालों ने ढूंढा था रिश्ता। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक तो गांव में हुई थी, अलाई में, और उसके बाद नागौर, फिर कोटा वगैरह। कोमल जी, आपकी जो शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शिक्षा ननिहाल में हुई थी पहले, तो 8th तक। आफ्टर दैट आई गेव द एग्ज़ाम ऑफ नवोदय एंड देन आई जॉइन नवोदय। आई पास दैट एग्ज़ाम। आई स्टडीड देयर फॉर 4 years and then I tried my best for NEET exam and then I cracked that and I completed my MBBS internship and now hi. Yeah, I'm somebody give me message, your marriage is love marriage. Who messaged you? Yeah, initially it was arranged, but after it happens with everyone that it changes into love marriage, and that happened. I told my parents that I only want a boy who had done his MBBS or done his internship, so they found that boy and then they asked with me. I said yes. Then they, your family background, what is do your father, mother? His government job and no government job. My father has a dental lab and my mother is housewife. Jee.
What is you want to give message to those person who are not to follow this Indian culture, who want to be marry in short terms, not do a long event, and we do a, in our close friend invite and we finished our marriage, but your marriage some long, I think 5 day continue regular event in your family. Yeah, it's a good culture that we have to follow, and everybody enjoy this whole scenario. So it's good for we also and for others also. So it's good, we have to follow all the cultures. I love to live with this joint family because I also face this scenario in my Nanihal, in my Dadihal. They all are joint and I enjoy this family background and all. I love to spend time with each one. I'm not that erratic person. I want to enjoy everyone's life and listen to everyone's problems, situations, and then learn to handle how they manage to live in a joint family. And a sister and brother? I have 2 sisters and 1 brother. And my brother and sister gave this NEET exam and I hope God will help them. And my other sister is preparing for RAS exam. It's good to learn from everyone. It's not like we have to just think about government job. Private jobs are also good. So not think about only a government job. Just catch up all the things which is happening with everyone. Like every thing is good. Like private job is also has a separate thing. Like we learn, we should learn from each one. It is not that important to have a government job. Private job, businessman, business work is also good. Your MBBS is maybe complete. Which field you like to join your job? In which field? It also changes. Sometimes I feel like I should choose this pediatrician department, and now I change to radiologist because I don't want any emergency thing. That's why I changed this. आपके परिवार के अंदर सभी बिजनेसमैन हैं और आपने डॉक्टर का जॉब चुना? बिजनेसमैन तो चल रहा है काफ़ी सारे टाइम से, पर डॉक्टर पहले तो सपना था घर वालों का कि एक घर में डॉक्टर होना चाहिए, तो फिर बोला कि मैंने बोला कि चल चलो तैयारी करते हैं, तैयारी की, उसके बाद कॉलेज मिला तो उसके बाद डॉक्टर बन गए, अब घर वाले खुश हैं। चेंज इट टू हिंदी, आई आल्सो लव टू स्पीक इन हिंदी, नाउ आस्क इन हिंदी। आप बिहारी लाल जी के परिवार से हैं, बिहारी लाल जी भी यहाँ पे आए, जिस हिसाब से परिवार का जो प्यार है वो बेटियों को इस हिसाब से, जैसे हमने देखा बिहारी लाल जी यहाँ पे, मतलब जैसे आपके सिर पे हाथ घुमाना और मतलब आप डॉक्टर बन गए, लेकिन वो सेम कल्चर जो है आज भी वो प्यार मिल रहा है, तो ऐसा कल्चर आप पढ़े लिखे हो तो क्या हमारा ये कल्चर जो है बना रहना चाहिए? ज़रूर, प्यार बांटना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्यार बांटेंगे तभी तो मिलेगा, तो बांटना सीखो, अपने आप मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। बहुत मुश्किल होता है प्यार कमाना किसी का। बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने, ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि मरीज का आधा दुख है वो अपने प्यार और अपने बर्ताव से हर लेते हैं, वही जो है इन्होंने बात बताई। और आप दोनों को अगेन एक बार फिर शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। आज आशीर्वाद समारोह में जो भी अपने बेली दोस्त यार परिवार के भाई गनाए जहाँ जहाँ देश के हर कोने से आए और प्यार और स्नेहपूर्व का आशीर्वाद दिया, उन सबको धन्यवाद तय दिल से। और मौसम भी, प्रकृति ने भी अपना साथ दिया, मौसम भी अच्छा रहा और कार्यक्रम सफल हुआ। सब परिवार, रिश्तेदार, भाई बहनों सबको धन्यवाद बहुत बहुत। सब भाई बहन और भगवान की कृपा से दोनों शादी अच्छी हुई, अच्छी हुई। भगवान ने ऊपर मे पर से आंधी आई नहीं, मैं आई नहीं, क्योंकि जनता की भावना अच्छी थी। जनता की भावना से ये हमारा
फंक्शन बढ़िया हो, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है जनता को, जमसा टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, भीमाराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शानदार पूरी शादी की कवरेज ली और पूरे समाज के अंदर और मेरी हर मेरी इंचाई वो उसने पूरी कर दी। शादी भी जोधपुर में करेगा तो मेरी इंचाई हेलीकॉप्टर से बारात लेके यादगार पल।